हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कच्चे चावल का बहुत हेल्दी नाश्ता और टेस्टी नाश्ता, और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप, हमने एक कप चावल लिए, इसे हम मिक्सी जार में डालकर इसे पीस कर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने पीस कर ले लिए। अगर आपके पास पहले से चावल काटा है तो वो ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने आधा कप सूजी लिए, ये डाल देंगे। और यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिए, ये डाल देंगे। आप चाहे तो सारी चीज़ें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने दो कप हमने छाछ लिए हैं। तो हमने एक कप चावल, आधा कप सूजी लिए और दो कप हमने छाछ लिए हैं। तो हम छाछ को डाल देंगे इस तरह से, और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स ना रहे, तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने जैसे पहले बताया, अगर आपके पास चावल काटा है तो आप चावल काटा ले सकते हैं। चावल अगर नहीं है तो आप चावल को मिक्सी जार में एकदम पीस कर उसका पाउडर बना कर ले सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे घोल लेंगे, और इसे इसमें एक भी लम्स ना रहे तो अच्छी तरह से हम घोल लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने घोल रेडी कर लिए। तो इसे 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर हमने एक कच्चा आलू लिए थे, आलू को हमने इस तरह से घिस कर ले लिए। आप देख सकते हैं, तो इसे पानी में रहने देंगे, नहीं तो काला पड़ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 से 7 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो चावल है काटा और सूजी है फूल चुका है। तब चलते अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिए हैं, और इसमें हम आधा चम्मच तेल डाल देंगे। ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हल्का सा तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून जीरा लिए, ये डाल देंगे। और एक बड़े चम्मच सफ़ेद वाला तिल लिए, ये डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक घिस कर ले लिए, ये डाल देंगे। 3 हरी मिर्च बारीक काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चना डाल सकते हैं, उड़द दाल डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो इसी तरह से हम चलाते भून लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ों को भून लिया। तो जो हमने आलू को पानी में रखे थे, उसमें से हम पानी को निकाल कर आप देख सकते हैं ले लिया। तो आलू डाल देंगे, तो आलू को हम डाल देते हैं। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आलू को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो आलू को डालने के बाद आलू को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक आलू को पका लेंगे। तो इसी तरह से मिक्स करके आलू को पका लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ताकि आलू जो है कच्चा थोड़ा पक जाए। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आलू को पका लिए हैं। जो हम चावल को घोल कर छाछ में रखे थे, एक बार इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो जब तक हम इसे पकाएंगे, तब तक जो मिक्सर है कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और यहीं पर हम 2 बड़े चम्मच धनिया की पत्ती बारीक काट कर ले लें, ये डाल देंगे। और सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेते हैं, जब तक मिक्सर डो की तरह ना बन जाए। तो इसी तरह से हम चलाते हुए बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ तक वीडियो देख लें, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मिक्सर है गाढ़ा होने लगा है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो 1 से 2 मिनट इसी तरह से और बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रेडी हो चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तब तक इसे ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक थाली ली है, इसमें तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से जो हम नाश्ता बनाएंगे चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो जो हमने चावल का बना कर रखे है, इसमें निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसे अच्छी तरह सेट कर लेंगे। तो हम सेट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। और इसे हाथों से नहीं टच करेंगे, क्योंकि गर्म रहेगा तो हाथ जल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसे सेट कर लिया। तो इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद इसके कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 मिनट हो चुका था, तो हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिए हैं। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आपको जिस तरह पसंद है उस तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे त्रिकोण शेप में कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह से हम कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद आप चाहें तो इसे डिब्बा में भर कर फ्रिज में रख सकते हैं। और फ्रिज में रखने के बाद 7 से 8 दिन सर्व रख सकते हैं, और इसे जब मन करे तब फ्राई करके खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सारे कट कर लिए हैं, और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, कहीं भी चिपकता नहीं है। तो अब चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, और एक एक करके डाल देंगे। तो हम इसे डाल देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे डाल दिया है, तो इसे अभी नहीं पलटेंगे, हल्का से फ्राई हो जाएगा उसके बाद पलटेंगे और थोड़ा दूर दूर डालेंगे, अगर पास डालेंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे हम पलट देंगे और दोनों तरफ से उलट पुलट कर हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे पलट दिया, तो इसी तरह दोनों तरफ से हिलाते डुलाते हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और एक बज फ्राई करने में हमें 5 मिनट लगा था, तो हमने जैसे भी पहले बताएं कि इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, तो इसी तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया, तो इसे निकाल लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। और सेम तरीके से हम सारे फ्राई करके रेडी करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितना हमें दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं, ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिए। और आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।